हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय टुडे स्टूडियो। आप सभी का स्वागत करता हूँ आज की वीडियो में। आज मैं आप सभी को कराने वाला हूँ मोबाइल के लाभ हानियों के ऊपर, ये ऐसे। सो फ्रेंड्स, अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो वो कर दीजिए, साथ में कर दीजिए इस वीडियो को लाइक, उस बेल आइकन को भी आप सभी दबा दीजिए ताकि आपको मेरी वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। वर्तमान समय में मोबाइल फ़ोन हमारे जीवन का अहम हिस्सा बन गया है। मोबाइल फ़ोन विज्ञान का अद्भुत चमत्कार है। पहले टेलीफोन का प्रचलन हुआ, अब मोबाइल संचार सुविधा का विशिष्ट साधन बन गया है। मोबाइल फ़ोन एक वरदान के रूप में सिद्ध हुआ है, जिसे व्यक्ति अपनी मुट्ठी या जेब में रखकर कहीं भी ले जा सकता है। अपने घर में बैठे देश विदेश में रहने वाले लोगों से संपर्क किया जा सकता है। व्यवहार और व्यवसाय में मोबाइल फ़ोन लाभदायक और सुविधाजनक है। बात करने के साथ दूर बैठे व्यक्तियों से वीडियो कॉल, फोटोग्राफी और संदेश पहुंचाने के लिए लाभदायक है। इससे अतिरिक्त मोबाइल फ़ोन घड़ी, कैलकुलेटर, कैमरे का काम भी करता है। इसमें फिल्में, गाने सुनने आदि सुविधाएं होती हैं। जहां किसी वस्तुओं की विशेषताएं होती हैं, वहीं उनकी हानियां भी होती हैं। मोबाइल में से निकलने वाली किरणें बहुत हानिकारक होती हैं, इससे नज़र की कमज़ोरी भी होती है। इसका लगातार प्रयोग से चिड़चिड़ापन आ जाता है। छात्रों को मोबाइल गेमिंग की बुरी लत पड़ने से उनका दूरगामी दुष्ट प्रभाव पड़ता है। मोबाइल फ़ोन दूरभाष की दृष्टि से महत्वपूर्ण आविष्कार है तथा इसके उपयोग उचित ढंग से किया जाना चाहिए। मोबाइल का प्रयोग सिर्फ ज़रूरत पड़ने पर ही करना चाहिए। सो फ्रेंड्स, आज की वीडियो की तरह ही मैं आप सभी को मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में। इस वीडियो को देखने के लिए थैंक्स।